भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया तय करने में राजनीतिक सहूलियत को आड़े न आने देने की बात कही। माना जा रहा है कि इस बात के जरिए कूटनीतिक गतिरोध के बीच कनाडा पर परोक्ष प्रहार किया गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान और अंदरूनी मामलों में दखल की कवायद चुनिंदा तरीके से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि वे दिन बीत गए जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनकी बातें मान लें। विदेश मंत्री ने कहा, हमें वैक्सीन को लेकर भेदभाव जैसी नाइंसाफी फिर नहीं होनी देनी चाहिए। जलवायु कार्रवाई भी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों से मुंह फेर कर जारी नहीं रह सकती। खाद्य और ऊर्जा को जरूरतमंदों के हाथों से निकालकर धनवान लोगों तक पहुंचाने के लिए बाजार की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जयशंकर ने कहा, ना ही हमें ऐसा करना चाहिए कि राजनीतिक सहूलियत आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर प्रतिक्रिया तय करें। उनकी ये टिप्पणी कनाडा के संदर्भ में प्रतीत होती है, जिसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में अपने देश में एक खालिस्तानी चरमपंथी नेता की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया था। वहीं भारत ने ट्रूडो के आरोप को राजनीति से प्रेरित करार दिया और कहा कि इसमें काफी हद तक पूर्वाग्रह है।